एक और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्यूचर टेक के तौर पर लंबे समय से देखा जा रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये एक हकीकत बनता जा रहा है। AI के सेक्टर में पिछले लंबे समय से तेजी से काम हो रहा है। इंटरनेट टूल ChatGPT के आने के बाद आम लोगों का भी ध्यान इस टेक्नोलॉजी पर गया है। एक्सपर्ट्स इसे मानवता के दुश्मन की तरह देख रहे हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि एक दिन मनुष्य का सारा काम मशीनें करेंगी, जो मानव जीवन के लिए हर तरह से खतरनाक साबित होगा। ऐसे में अब इस खतरे को देखते हुए टेक्नोलॉजी दिग्गज इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रोक की मांग कर रहे हैं। खबर है कि टेक्नोलॉजी के मास्टर कहे जाने वाले इलॉन मस्क और एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वॉजनेक ने मांग की है कि AI डेवलपमेंट पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो ये मानवता का दुश्मन साबित हो सकता है। इनका मानना है कि AI आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है। इस ओपन लेटर पर इलॉन मस्क, एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वॉजनेक समेत 1000 टेक दिग्गज और रिसर्चर्स ने साइन किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल डेवलपमेंट के लिए कैंपेन चलाने वाले कैम्ब्रिज बेस्ड NGO फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट सभी AI डेवलपर लैब से इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए बात कर रहे हैं। संस्था का कहना है कि GPT-4 से पावरफुल किसी भी AI सिस्टम की ट्रेनिंग को तुरंत रोकना चाहिए। GPT-4 को OpenAI ने इस महीने की शुरुआत में लॉन्च किया है, जो GPT-3 से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। दुनिया भर में अब मशीनों के गाइडेंस में काम करने की शुरुआत हो चुकी है। कुछ डेवलपर ने ChatGPT को अपना CEO बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस SEO के आधार पर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर तरह तरह की मशीनें इंसान बनाए जा रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि ऐसा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहीं से मशीनों के गाइडेंस में काम करने की शुरुआत भी हो रही है। उधर दुनिया को कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी देकर मारने वाला देश चीन अपने और खतरनाक मंसूबों के साथ चोरी छिपे AI सिस्टम पर काम कर रहा है। ऐसे में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसानों के बराबर इंटेलिजेंस वाले AI भविष्य में खतरा बन सकते हैं, जो मानवता और प्रकृति के जीवन चक्र सिस्टम के दुश्मन साबित हो सकते हैं।